नोएडा के सेक्टर 126 में जेपी सोसाइटी में गार्ड को गाली देने वाली महिला को रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला का एक वीडियो सामने आया था जिसमें दिख रहा है कि सोसाइटी की सिक्योरिटी गार्ड ने गेट खोलने में देरी कर दी। इस पर महिला आग बबूला हो गई। उसने कार का शीशा नीचे करके गार्ड को गाली देना शुरू कर दिया। उसने 1.5 मिनट में 9 बार गाली दी, उसका कॉलर पकड़ कर मारा और घसीटा। गार्ड के अन्य साथियों ने छोड़ने की मिन्नत करी लेकिन उसने गाली देना बंद नहीं किया। पुलिस ने गालीबाज महिला भव्या राय के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। वह एक वकील है, उसे हिरासत में ले लिया गया है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि महिला को जब पुलिस ने हिरासत में लिया तो वो अपनी ही गाड़ी में गई और ड्राइव भी खुद करके ले गई। पहले नोएडा के ग्रैंड ओमेक सोसाइटी में श्रीकांत त्यागी का महिला से अभद्र करने वाला वीडियो सामने आया था। श्रीकांत त्यागी को जेल भेज दिया गया है। वहीं दूसरी ओर आहक गार्ड ने नौकरी छोड़ने की बात कही है। उसने कहा है, बहुत हो गया बेइज्जती सहते सहते, हम भी परिवार वाले हैं, अब मुझे नौकरी नहीं करनी है। हम सोसाइटी में अपनी पूरी जिम्मेदारी से काम करते हैं, सभी महिलाओं को अपनी बहन व माँ समझते हैं, लेकिन पढ़ी लिखी होने के बावजूद महिलाएं कोई इज्जत नहीं करती हैं। महिला ने पहले बदतमीजी की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।